देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सांसद सज्जन कुमार द्वारा जो है इसका शिलान्यास हुआ था और आज जो है बहुत ही ठीक तरीके से बहुत ही अच्छा जो है बना दिया गया है। आगे हम अंदर चल के जो है दिखाते हैं जी। ये उसी समय की मूर्ति है, ये बाबा नथुर दास के टाइम की मूर्ति है और बाबा जो है इसको रख के जो है पूजा करते थे जी। और बाबा ने ये बताया था कि एक दिन जंगल में मंगल होगा जी। आज जो है वो सारी चीज़ें जो है हो गई जी जी। और अपने हाथों द्वारा जो है पीछे हनुमान मंदिर का जो है स्थापना किया था जी, वो मंदिर आज भी है और उन्होंने बताया था कि है हाँ वो यहीं तक रहेगा, इसके बाद कुछ और हो जाएगा। अच्छा। तो गांव के जमीन में जो है पंजाबी बाग बस गया जी, कॉलोनी कटी और पश्चिम बिहार बसा जी। लेकिन जो हमारा बाबा ने जो है हनुमान जी का मूर्ति स्थापित किया था हाँ जी, वहीं तक ही माधीपुरा है जी, मौके पर जी। हाँ, तो बाबा ने जो जो बातें बताई थी वो सारी बात जो है पूरा हो गया। चांदनी चौक से जो है बनिया आते थे, चट्टा के बारे में भी पूछते थे, जो बाबा बता देते थे वो काम हो जाता जी। और ये मूर्ति जो है उन्हीं के टाइम की है जी। और बाबा का जो माँ सरस्वती और भगवान कान्हा जी की मूर्ति जो देखे, राधा किशन की मूर्ति, राधा ये वो अपने पास रखते थे जी। उनका जो है मूर्ति जो है उनका मुखिया में जो है लगा रखा है जी, और उनका जो है मंदिर बना रखा है। अच्छा जी जी। क्या इस गुफा से सरोवर का लिंक? हाँ, माँ भगवती का जो सरोवर है जी, उसका लिंक था जी। बाबा वहीं से स्नान करके अपने यहाँ जो है आ जाते थे जी। और यहीं पर सती के साथ मूर्ति इस समय लगी हुई है जी, उसको अपने सामने रख के पूजा करते थे जी। और सुबह शाम अपना जो है भोलेनाथ का जलाभिषेक करते जी। ये जो है बाबा नथुदास जी हैं जी। इनके मरने के बाद जो है लगभग जो है गुफा जो है बंद कर दी गई जी, और यहाँ उनकी जो है मूर्ति जो है स्थापित किया गया जी। और उन्हीं के नाम से एक संत बाबा नथुदास नाम से जो है धर्मशाला हमारा है जो बाहर जो है जी। और जो बाबा द्वारा स्थापित हनुमान मंदिर है और एक स्टेडियम भी है जो है पार्क के अंदर जी, जो फागुन और श्रावण मास के दोनों शिवरात्रियों पे वहाँ जो है ओवर के पास पहुँच गए हैं जो हम देख रहे हैं। जो ये हमारा ईंट है जी, लगभग जो है 4000 वर्ष पुराना जो है बताया जाता है। जब पैसे आए तो जो है मंदिर का नवीनीकरण हुआ, ये 2010 में कार्य शुरू हुआ, जो अब मौके पे बिल्डिंग है जी। तो इसकी खुदाई में जी जो फर्श था, फर्श के नीचे जो है 1.5 फुट नीचे जाने के बाद 4 फुट चौड़ा और 9 फुट गहराई तक यही ईंटें जो है मिलती गई। और यही माँ भगवती का सरोवर का जो है नवीनीकरण हुआ है, उसमें गांव वाले जो है 5 कुएं बताते हैं, तो 2 तो ऊपर है और 1 नवीनीकरण के टाइम में मिला। उसकी ईंट और इसकी ईंट जो है एक जैसी है। अब वो कुआँ भी जो है माँ भगवती में ही स्थित है, उसको ऊपर लाया गया हुआ है। अब मौके का जो ईंट है वो लगाया गया है जी। तो ये प्राचीनता का जो है प्रतीक है, बहुत पुराना मंदिर है, इसमें कोई जो है दो राय नहीं है। और जो भी भक्त मनोकामना लेके आता है वो भोलेनाथ जो है पूरा करते हैं। हर भक्त जो है किसी कैसा भी कारण लेके आए खुश होके ही जाता है जी। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर महादेव, हर हर महादेव। इस प्रकार से पंडित जी ने हमें मंदिर की महात्मा के बारे में ही नहीं बताया, अपितु बताया कि आदिदेविक आदिभौतिक व आध्यात्मिक संतापों को कैसे दूर करता है ये मंदिर, किस प्रकार से लोग दूर दूर से मनोकामनाएं लेकर आते हैं और उन मनोकामनाओं की पूर्णता के बाद
वो ही नहीं अपितु अपने साथ सैकड़ों भक्तों को लेकर आते हैं। इस प्रकार से पंडित जी ने विभिन्न विषयों पर प्रस्तुतिकरण किया और बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है, और इसी प्रकार से बताया है कि पांडव कालीन किस प्रकार से ये 4000 वर्ष पुरानी ईंट जब खुदाई के दौरान निकली और किस प्रकार से सरोवर में भी पांच कुओं का वर्णन किया, और जब नवीनीकरण किया गया 2010 के बाद, तो एक कुआं जो है उसके अंदर निकला, दो बाहर हैं, एक कुआं उसके अंदर और दो कुएं बाहर हैं। इस प्रकार से ये मंदिर अलौकिक मंदिर है, जहां पर देश विदेश से लोग आए, और पंडित जी का ये विश्वास है कि यहां पर हर तरह की मनोकामना पूर्ण होगी। तो इसी के साथ हर हर महादेव।